अच्छा चलो, पहले तो आप लोगों को थैंक यू, आप लोग सब यहाँ पे आए, ठीक है। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में जिसके बारे में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। हम लोग पहली ऐसी पंजाबी फिल्म लेके आ रहे हैं जो कि चिल्ड्रंस के ऊपर बन रही है। आज तक आपने हमारी हिस्ट्री के अंदर एक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है कि जो हम बच्चों को दिखा पाए और बच्चों को कुछ भी समझा पाए, एक अच्छा मैसेज दे पाए बच्चों के लिए। हम लोग ऐसी पहली कोशिश कर रहे हैं और पंजाब की हिस्ट्री के अंदर पहली फिल्म बनाने जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए रहेगी। आपने कितनी, आपने देखा होगा कि हम लोग सड़क पे जब जाते हैं तो कितने बच्चे चाइल्ड लेबर का काम कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे गिरोह में धकेल दिए जाते हैं, किडनैपिंग होती है बच्चों की, उनको उठा के बेच दिया जाता है। तो उसी के बेस पे हम लोग ये फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है कि सेल्फी। और सेल्फी का मीनिंग ये रहेगा कि कुछ फ़ोन के अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो कुछ फ़ोन के अगर फ़ायदे भी हैं तो कुछ उस फ़ोन के नुकसान भी हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि मेन कलाकार जो रहेंगे हमारे अमनदीप सिंह, जिनकी अभी रिसेंटली मूवी आई है आपे पेन स्यापे, उत्तरन सीरियल सावधान इंडिया, और उन्होंने बहुत उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पूजा जी रहेंगी, मनदीप रहेगी, और इनके साथ 30+ जो बच्चे इस मूवी में नज़र आने वाले हैं। तो हम लोग एक कंसेप्ट ये सोच रहे हैं कि जैसे आप लोग मूवीज़ देखते हो या कोई भी सॉन्ग देखते हो, आजकल क्या होता है कि बच्चों को ना गन दिखाई जाती है गानों में, बच्चों को एक नशा दिखाया जाता है। कोई ऐसा कोई भी एक मैसेज नहीं है कि जिसके साथ पेरेंट्स जाए और जाके बच्चों को दिखाए कि हम लोग अच्छा कुछ देखने आए हैं आज पहली बार। तो उसके रिलेटेड चाइल्ड लेबर को लेके प्लस आज की एजुकेशन को लेके पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को फ़ोन लेके दे देते हैं, फ़ोन लेके वो उस चीज़ के ये सोचते हैं कि बच्चे हमारे के फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे अपनी आईसाइट वीक कर बैठते हैं उन चीज़ों से। तो एक छोटा सा एक सोशल मैसेज ऐसा भी रहेगा मूवी में जो आप सबके देखने के लायक रहेगा, और बच्चों को दिखाने के लिए वो सबसे बेटर ये चीज़ करती है कि आप अपने बच्चों को ले जाके उस फिल्म को देख पाओगे। आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आने वाला कि जो हम फैमिली में बैठ के नहीं देख पाएंगे। पहली बार ये चीज़ हम करने जा रहे हैं, पूरी मेरे साथ पूरी टीम है, अनी अरोड़ा जी, सन्नी ऋषि जी, ये रिसेंटली अभी एक लॉकडाउन मूवी मैंने की है जो जून में रिलीज़ होनी है, उसके ये लीड रोल पे हैं, पूजा जी हैं। तो हम लोग सब लोग मिलके ऐसा एक कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे थे कि जो सिर्फ बच्चों के लिए हो, और पंजाब की हिस्ट्री का ये पहला कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। बाकी आप बताइए। नहीं नहीं, फीचर फिल्म हम 27 अगस्त को हम लोग रिलीज़ करने वाले हैं वर्ल्ड वाइड, हरियाणा, पंजाब, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे पंजाबी है मोस्टली। कनाडा में ये रिलीज़ होगी और पंजाब में तो पूरे में रिलीज़ होगी ये। OTT में अगर अमेजोन प्राइम पे हमारी बात चल रही है अभी, अगर कुछ कन्फर्म होगा तो वो बाद में आपको शोर बताएंगे। 27 अगस्त को, अगस्त इशू सर, मेन चाइल्ड लेबर को दिखाया गया है, जो चाइल्ड लेबर का एक्चुअली क्या होता है, किडनैपिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा कुछ गिरोह आते हैं बच्चों को उठा के, वो चाइल्ड लेबर में धकेला जाता है उनको। तो एक वो इशू रहेगा, एक आपको एक फ़ोन के जो हम लोग नुकसान देख रहे हैं आजकल, बच्चे पबजी गेम खेलते हैं, ये फ़ोन से गेम खेलते हैं सारा दिन, पढ़ाई से ध्यान हट गया, मान लो कोई प्लेयर है बच्चा तो वो 24 घंटे उस फ़ोन पर लगा रहता है और उसको उस चीज़ों का अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन आने वाले टाइम में उन चीज़ों का नुकसान भी होंगे, और कुछ चीज़ों के उसके फ़ायदे भी हैं, अगर नुकसान है तो उसके फ़ायदा भी, वो चीज़ें भी हम इसमें दिखाने वाले हैं। और डेली रूटीन में जो चंडीगढ़ की लाइफ लोग जी रहे हैं कि डेली ट्रैफिक में फंसना, डेली क्या हैंडल हो रहा है, कोई पुलिस वाला कैसे तंग करता है, कुछ कॉमेडी रहेगी, कुछ वो चीज़ें सब लोग मिला के सब लोग चीज़ रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर, मैं उनसे पर्सनली 1 साल हो गया मेरे को इस चीज़ में रूटीन में वर्क करते हुए, मैं पर्सनली उनको देखा, उन लोगों को जाके, वो क्या होता है कि पीछे वो जब उनका सेटअप ख़त्म हो जाता है ना, पीछे जाके वो पट्टियाँ बांध रहे होते हैं दिखाने के लिए कि हम लोगों को चोट लगी है ना। तो अब वही चीज़ें करके वो ऐसा करते हैं, और उनको क्या है, उनका एक गिरोह है बहुत बड़ा, आपने ट्रिब्यून चौक पर खड़ा होना है, तो उनके वो उनका गिरोह डिसाइड करता है कि इसका कितना चार्ज है, आप 27 पे खड़े हो तो आप कितना चार्ज पे कर रहे हो। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, एक काम कराने वाले सर वो कभी भी सामने नहीं आते, उनके इंटरनली में जाके उनको पर्सनली उनके बीच में बैठ के वो चीज़ें मैंने चेक की हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे आप वो सड़क पे खड़े हैं, वो ख़त्म होने के बाद वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं,
और सुबह नहा धो के वैसे के वैसे जैसे हम लोग रहते हैं वो वैसे ही वो लोग रहते हैं, लेकिन वो जो सुबह काम पे आते हैं वो आने के बाद अपने आप को गेटअप चेंज करके ये रोड पे खड़े हो जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इनकी डिसाइड बना होता ना कि आप ट्रिब्यून चौक पे आप चार बच्चे ये रहेंगे और दूसरे 27 में ये रहेंगे या 47 पे ये रहेंगे, ये चीज़ें इनकी डिसाइड होती हैं ऑलरेडी। तो वो पार्ट हमें नहीं पता इन चीज़ों का, तो वो फिल्म में हम लोग दिखाएंगे सारी चीज़ें। चाइल्ड लेबर मैसेज दे रहे हैं कि चाइल्ड लेबर का जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं जो लोग, वो मैसेज दे रहे हैं कि बच्चों की किडनैपिंग होती है, बच्चों का किडनैपिंग होने के बाद उनका भांडाफोड़ कैसे होता है, जो हम लोग ये डेली रूटीन में हम लोग अपने बच्चों के साथ होता देख रहे हैं, वो चीज़ों को निकालने के लिए एक सोशल मैसेज देंगे उन बच्चों को। हमारी जो टीम रहेगी बच्चों की मूवी में, उन लोगों को पर्सनली जाके उनके स्कूल्स में एडमिशन कराना, उनकी सपोर्ट कैसे करनी है, वो जो बच्चे सपोर्ट करते हैं उनके साथ वो कल को प्रॉब्लम कैसे फेस होगी, वो पूरा प्रॉपर मूवी में दिखाया जाएगा। नहीं, पंजाबी में चाइल्ड लेबर पे फिल्म बनी है मैं मानता हूँ, बहुत अलग। इसमें आपको सोशल मैसेज दिखाए जाएंगे ना कि फ़ोन से रिलेटेड आप एजुकेशन, जो फ़ोन के लिए हम लोग आजकल बच्चों को फ़ोन लेके दे रहे हैं, तो उसमें मान लो कोई हमारी फिल्म में एक प्लेयर का किरदार है, जो प्लेयर शूटिंग करता है वो जब प्लेयर के लिए कॉम्पिटिशन के लिए जाता है तो उसकी वहाँ पर आई साइड वीक हो जाती है, तो जैसे ही डॉक्टर का एंट्री होती है डॉक्टर बोलते हैं कि इससे फ़ोन बहुत यूज़ किया हुआ है, तो उन चीज़ों का नुकसान भी दिखाएंगे हम लोग कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। बच्चे आजकल गेम खेलते हैं, गेम खेलते हुए मतलब माँ ने बोल दिया कि आप ये काम कर दो, तो वो उठा के गेम खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गया, तो वो बच्चों का ध्यान नहीं है वो किस लिए, वो गलत मैसेज है। आप सबसे बड़ी बात, आप बच्चे बच्चे हैं, अगर बच्चे बच्चों की सपोर्ट करने के लिए उतरेंगे, सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे, पूरे समाज की सपोर्ट करेंगे, इन बच्चों को एजुकेशन में डाला जाएगा, हम लोग इनकी सपोर्ट करते हैं मिलके, तो वो एक वो उस तरह का मैसेज देने वाले हैं हम लोग सबके लिए। चंडीगढ़ बेस्ड रहेंगे सब लोग एक्चुअली। मैंने 28 फरवरी को ऑडिशन लिया था जीरकपुर में, जिसमें मतलब नियर अबाउट 200 के अबाउट बच्चे आए थे, जिसमें से मैंने 30 बच्चे सिलेक्ट किए हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो सिलेक्शन उनके बेसिस पे ऑडिशन के बेस पे लिए गए थे जो बच्चे इस मूवी में नज़र आएंगे। बहुत 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 बच्चे एक्टिव हैं ये लोग, और इन्हें 3-4 मूवी सब ने की हुई है ऑलरेडी। मेरा अपकमिंग अभी एक मेरी लॉकडाउन आ रही है, जून में रिलीज होने वाली है, उसके बाद मेरी दिला ने जानी जो एक रोमांटिक स्टोरी रहेगी, उसके बाद ठग लाइन जो 4 फरवरी को रिलीज़ होनी है। मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ, मैंने सावधान इंडिया किया है, उससे पहले सावधान इंडिया किया है, लॉकडाउन में एज ए डायरेक्टर रहा हूँ। प्रोड्यूसर क्रिएटिव प्रोड्यूसर है जी, क्रिएटिव प्रोड्यूसर है इनका, लॉकडाउन में मेरे साथ थे ये लोग। तो अभी हम लोगों को जो रिसेंटली लॉकडाउन पे फोकस था, लेकिन जब हम लोगों ने एक कंसेप्ट पे वर्क कर रहे थे ना 1 साल से, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि समाज को अच्छा संदेश दे, कि बच्चों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लोग अगर फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। पेरेंट्स को ये चीज़, पेरेंट्स क्या होते हैं जॉब पे चल, सोशल मैसेज बहुत रहेंगे मैम, बहुत सोशल मैसेज रहेंगे। खरड़ में शूट रहेगा, हरियाणा में शूट रहेगा, नहीं 25 मार्च से शुरू करने वाले हैं। वैष्णो देवी के शूट रहेंगे, कुछ बच्चों के लिए भक्ति का भी रहेगा कि बच्चे कुछ देख के अच्छा सीखे। आजकल क्या आप लोग गाने देखते हो, पंजाबी गाने आते हैं उसमें आपको गन दिखाई जाती है। 30 बच्चों के साथ ये मूवी लेके आ रहे हैं, जो 8 बच्चे हैं वो लीड पे रहेंगे, बाकी जो बच्चे रहेंगे उनके छोटा छोटा पार्ट रहेगा। बजट सर 1.5 करोड़ के आसपास। मैक्सवेल प्रोडक्शन हाउस के साथ। Thank you very much.